किराएदार की बेटी के रूम में रात के 12 बजे आना, काफी जिगर है तुम्हारे अंदर। हमारा गाड़ फाटा था, पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हमें ना अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। अंशिका इतना दिन रही है, सब जने बड़ा परेशान रहे हैं, अच्छा ना लगत रहा। पूरा टीम जोन है वो मिस करत रही, और फाइनली जोन है वो मजे दिन बाद आई ने, थोड़ा गुस्सा हो गया रही ने हमसे सबे से, और हमने जोन है बल भल लपट के रोए गाए हैं। मनाम समय लगा। हाँ मामा जनता है, मेरा रू जब रूठी है तो मनाम समय लगा। बाकी और अंडा बंडा जो छोटी मोटी बात मन मोटा होत रहा था, एकदम खुल के होत रहा था, सुधार होत रहा था, तो थोड़ा बहुत हुए कुल रहा, और वो कुल चीज भुलाए के जो ना हुए। बार बार सुन रही मन मोटाव मन मोटान का 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 मन मोटाव रहा। देखा एकदम खुल के बतावत है भैया। अंशिका के जो हमने देखुआरी रही है, और ये हमने बुला रही ने ओमन हमने जाए नहीं पाए, गुस्सा आ गया। काहे छोड़ के चली गई? कहाँ छोड़ के गए थे, काम था भाई, काम के लिए गए थे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उमेश निषाद कॉमेडी में काम करने वाली अंशिका और उमेश को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। पिछले 2-3 महीने से अंशिका उमेश के साथ काम नहीं कर रही थी, जिस पर हम लोगों ने खबर भी चलाई थी। अंशिका का इंटरव्यू मैंने चलाया था और उमेश का भी इंटरव्यू चलाया था, उसमें ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि दोनों को साथ काम करना चाहिए। और अब ये 3-4 महीने बाद ये लोग अचानक फिर जो है अब एक साथ दिखेंगे, और ये हमारे साथ देख रहे हैं, अंशिका भी हैं, उमेश भी, अब ये पुनः दिखेंगे। ये बड़ी खबर है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो जोड़ी 3-4 महीने नहीं दिखी थी, अब वो फिर, और मैं उमेश यहाँ के यहाँ आया हूं, और एक शूटिंग अभी होने वाली थी, यही दोनों लोग मिल गए। और सबसे पहले तो अंशिका स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, भारत का कवरेज न्यूज में ये अंशिका हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। उमेश भाई का हाल बा, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो आपका स्वागत बा, एकरे साथे साथे जो हो सब भाई लोग का स्वागत बा, जितने जने आप सभी वीडियो देखत है, और पूरा जनता जनार्दन स्वागत बा। मजा आवे एकदम, आज मजा बा, मजा बा, और बहुत कुछ बा चालू रहा जोन हुए। ये 3-4 महीने जो थी आप दूर थी, काफी कमेंट आ रहे थे, आपने कमेंट भी देखा, तो दर्शकों के कमेंट की वजह से आप लोग एक बार जल्दी जुड़ गए कि और कुछ कोई बात था कि नहीं हमको काम करना था, 3-4 महीने का ही छुट्टी लिया था आपने, थोड़ा सा दर्शकों का बताइए। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं मूवी के शूटिंग पे गई थी, तो दर्शक तो खैर मतलब डिमांड कर ही रहे थे कि आप दोनों साथ में रहो, साथ में रहो, तो मैंने उसमें भी कहा था कल भी अंशिका उमेश के साथ है और आज भी रहेगी, आज भी है और आजीवन रहेगी। तो कमेंट तो खैर है ये है, और हमारा और सर का जो कॉम्बिनेशन है, तालमेल है, इस वजह से ज्यादातर साथ में है। जी, ये तरह तरह का एक चर्चा भी लोग करते थे कि जोड़ी जमती नहीं, आप लोगों की जोड़ी जब हट गई, आपके बिना अलग जोड़ी, आप दूसरे कुछ चैनल पे भी काम कर रही थी और उमेश भी अलग जो है जोड़ीदार के साथ काम कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि जम नहीं रहा है जो है दर्शक। अब दर्शक को भरोसा क्या दिलाएंगी आप, लगातार आप काम करेंगी कि फिर जो है? इसमें भरोसा दिलाने वाली कौन सी बात है, जो चीज सच है आजीवन काम करना है। अच्छा जी, बिल्कुल। वो तो सूट से लौटे थे, और जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी बोली थी कि जाओ उनके यहाँ काम कर लो, लोग घर पे आए थे तब मुझे जाना पड़ा। अच्छा, नहीं तो मैं सर के ही साथ हमेशा रहने वाली हूँ, जब तक सर चाहे। अच्छा जी, जब तक सर चाहे। उमेश भाई, कब तक चाहना है फिर, कि फिर हम लोगों के लिए खबर के लिए कुछ आना होगा इस तरह? देखिए, थोड़ा बहुत जो सस्पेंस बनता है तभी मजा आता है, और अंशिका इतना दिन रही है, सब जने बड़ा परेशान रहे हैं, अच्छा ना लगत रहा। पूरा टीम जोन है वो मिस करत रही, बाकी आप सब तो मिस करते ही रहे, जहाँ हमने थोड़ा दबत रहे भुलाते रहे, वहाँ आप सब जोन मिस करवाते रहे कि प्लीज अंशिका को बुलाओ, अंशिका को बुलाओ, जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, कॉमेडी नहीं अच्छी लग रही है। तो हमने जो ना दिमागवा वो अच्छा ना लगत रहा, दिमागवा हमेशा भरभस्ट रहा है यार, का किया जाए का ना किया जाए, पता नहीं कितना समय लागे। देखा रहे जो मीरा मूवी के शूट पे, और फाइनली जो है मजे दिन बाद आई ने, थोड़ा गुस्सा हो गया रही ने हमसे सबे से, और हमने जो है बल भल लपट के रोए गाए हैं।
मनाम समय लगा। हाँ मामा जनता है मेरा रू जब रूठ गया तो मनाम समय लगा। क्यों रूठ गई थी? दिवंडवा का बात है माने की। दिवंडवा ये हो कि आगे वाली जो मूवी है वो जल्दी जल्दी आप सबके दिया जाए, जो अच्छी अच्छी वीडियो है। डक के गया क्या डिमांड रहा जोन बताया ना। देखिए कितने सही में आप लोग कलाकार हैं। देखिए क्या डिमांड से ला के आप, दर्शक जानना चाहते थे वो डिमांड क्या थी, लेकिन आप मूवी में क्या डिमांड थी अंशिका? नहीं ऐसा कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा ऐसी कोई बात भी नहीं था, मैं पिछली वीडियो में बताया था, अंशिका भी बताई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग साथ में काम करेंगे तो चली गई थी काम करने के लिए। इसके साथ साथ अपना चैनल देखती हैं तो उस पे भी ये व्यस्त रहती हैं। और होता क्या ना कि जो मेन पॉइंट है ना मैया, हम थोड़ी देर वो था एक कलाकार के ऊपर, एक कलाकारी के ऊपर जो मेन रीजन था कि ये एक कलाकार किसी का बंधुआ नहीं होता, वो कहीं भी काम कर सकता है। तो अंशिका लगातार काम कर रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था, बहुत सारे लोग आते थे काम करने के लिए, तो बोलते कि वो उन्हीं के साथ काम करते हैं, कलाकार किसी का है नहीं। तो मैंने भी बोला, पहले ही बोला था कि आप अपने हिसाब से काम कर सकती हैं, अपने चैनल पर करिए, अगर कोई और बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है या जो भी है आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, ताकि कोई ऐसे बोल न सके कि तू उनकर जो उन बंधी है वो तो बांध के रखे हैं, ठीक ये चीज़ होता है। तो मैंने पहले से पहले ये चीज़ बोला था और अंशिका ने वैसा ही किया, अपना जो है अपना खुद का चैनल बनाया, इसके बाद अपना काम कर रही हैं। बाकी और अंडा बंडा जो छोटी मोटी बात मन मोटा होत रहा था, एकदम खुल के होत रहा था, सुधार होत रहा था, तो थोड़ा बहुत हुए कुल रहा और कुल चीज भुलाए के जो ना बार बार सुना रही मन मोटा का काम मन मोटा रहा। देखा एकदम खुल के बतावा था भैया अंशिका जो ना देखवा रही है और ये हमने बुला रही ना वो मन हमने जा नहीं पाए गुस्सा आ गई। हाँ हो गया ना बियाह हो गया, हम बुला रहे आई नहीं पाए वही मारे ऋषि आ रहे। ये यही मेन बात है, आदमी है कहाँ, कहीं बताइए आदमी है कहाँ। समझ बना रहेगा नहीं समझ में तो होते ही थोड़ बहुत आपको थोड़ बहुत ना कह रहे हैं वो जान रहा हूँ हमको हम मैं कहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ भी ऐसा ना रहा। खैर जोन कुछ भी रहा आप सब कहा कि भाई अगर कुछ कुछ ऐसा हालांकि रावो ना करा, लेकिन आप सब कहा कि जो भी जैसा भी हो आप लोग मिलजुल के रहिए, जोड़ी बहुत अच्छी है। तो हम पहले भी बता रहे हैं अगर जो हो गए मैंने अगर कोनो बात रहा हो कुछ भी रहते तो कहीं जो हो दूर करे, अच्छा खासा वीडियो चला तो व्यूज चला तो दोनों जने की जोड़ी हिट हो, नए चाहे ना मई चाहे आप दूर होगी भाई। जब पब्लिक सिटी आप सब इतना प्यार देता तो हमने प्यार ले भाई जो ना दूर दूर हो गए अंडा बंडा काम ऐसा कुछ ना रहा। थोड़ा बहुत जो हो जोन जोन कुछ रहा हुए न रहा हुए उसे कोनो मतलब ना हुए, मेन चीज हुए रहा अंशिका चली गई काम करे और ये नहीं आओ मजे के समय लग गए। बीच सबसे पहले दिन कर तबियत खराब हो गई, डेढ़ महीना उमन जोनों खटिया पकड़ के जोनों खटिया के ताक धीना दी ने के बाद फिर जोन हुए चली गए ने चली गई शूटिंग पे, शूटिंग पे जोन माने वहाँ शूट करी ने करे बाद फिर जोन आए थे फिर जोन आई गए। देखिए अंशिका जो है हमसे ज्यादा आप हमारे बारे में जानते हैं। हमारे कुल बहुत है, अपना एक बात बताइए, बिना परमिशन के हम गए थे तो मैं जब जब आप यहाँ आए तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोला, मैं बोला कि अंशिका मैंने भेजा था या भाई अपने हिसाब से काम करिए, मैं क्या बोला मैं तो हाँ तो जब आप है तो हमें बोलने की जरूरत। देखिए दर्शक यही सब प्यार जो इन लोगों का देखते हैं इसीलिए पसंद करते हैं जो है। तो मैं देखिए ये लोग देखिए कलाकार हैं और कलाकार ही नहीं है काफी कलाकार हैं। न्यूज चैनल पे हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि वो चीजें निकल के सामने आए, क्या मामला था, क्यों तीन महीने चार महीने ये लोग दूर थे, लेकिन ये लोग जो है उसको खुलासा नहीं कर रहे हैं। है कुछ जरूर मामला ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इन तीन महीनों में शायद दोनों तरफ से यह था कि कमी खल रही थी, अंशिका को भी उमेश की और उमेश को भी अंशिका की, इसीलिए अंशिका देखिए दुबराई गई है। हाँ दुबरान है ना? अपने टीम के मिस करो तो दुबराब ना। बिल्कुल देखिए
भाई अपनी टीम को मिस कर रही थी, काहे मिस कर रही थी आप जो है, काहे छोड़ के चली गई? कहाँ छोड़ के गए थे, काम था भाई, काम के लिए गए थे। दर्शक तो यही पूछ रहा है, दर्शक यही पूछ रहा है ना। मैंने आपके उस मतलब उस वीडियो में भी बोला था कि मैं शूट पे गई थी, जहाँ की एक डेढ़ महीने वहाँ लग गए, फिर एक महीना कंटिन्यू मैं बीमार रही, इस तरीके से था। तो फिर कैसे बतावा आप सब जो वीडियो देखे जाते, मतलब ये आम खाए चाहते पेड़ गिनबे गुठली, आम खाना चाहते हैं, गुठली गिनना चाहते हैं कि पेड़ गिन। अरे भाई आप लोग बुला रहे थे, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, आप कहे ना ना बार बार हुआ चीज, अगर कोनो चीज ना हो हमें लगा था ज्यादा पूछत कोनो चीज हो जाए। सर नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना कोई पूछे। आप लोग तैयार रहिए, वीडियो एकदम जल्दी जल्दी आने वाली है, जबरदस्त एकदम आप सबको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप उमेश निषाद वाले चैनल पर जाइए, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोग देखिए मेरा और अंशिका का, हो सकता है कि आप लोग देख भी सके हो। अच्छा उमेश भाई, एक लंबा हो रहा है, ये एक चीज ये थे, अंशिका बीमार थी बीच में, अब भाई आपने नहीं कहा, इन्होंने नहीं जिक्र किया, हमको जो हमारे सूत्रों से पता चला बीमार थी, ये देखने आप नहीं गए थे, इससे नाराजगी थी क्या कुछ अंशिका को? नहीं, ये किंच नहीं होगी, काम में बिजी थे ना, क्यों नाराज होंगे हम अपने सर से? नहीं, कभी होता है ना, टीम जिस टीम के साथ काम करिए और टीम के लोग नहीं पहुंचते हैं, आप बीमार थी, थोड़ा सा लेट लेकिन गए थे, नाराजगी नहीं थी? नहीं थी, हल्का सा था, मतलब सच बोले हल्का सा था कि मेरे कर दे कटारी कर दे वाला, भगवान जाने हम तो ना खाते है, देखे बहुत बहुत तगड़ा जो ना, आप सब जानो तो वह बहुत एक एक लड़का जो ना का गद्दारी करवे, गद्दारी करवे तेरी बहन के घर आना है, ऐसा करो बात ना। आप सब बता रहे हम यही चीज कह रहे हैं ना कि हो सकत है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं अंशिका इसी के लिए, हो सकता है, मैं सिर्फ गेस किया था, लेकिन ये अपने तरफ से नाराज नहीं थी, मैं बोला सिर्फ गेस किया था कि अंशिका की तबीयत खराब थी, हो सकता है कि मैं लेट गया, उनको हो सकता है कि वो वही नाराजगी रही हो कि सब लोग आए और जो है मेरी अपनी खुद की टीम नहीं आई या लेट हो गया कैसे क्या, हो सकता है, मैं सिर्फ गेस किया था, गेस किया था ना वीडियो में, हाँ वही बस यही बात है। अच्छा। और ये बात अगर हम रूट के गए होते शायद वापस ना आते ना, पर आए हैं। सही है, देखिए दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी खबर ये है कि अब दोनों लोग साथ दिखेंगे, साथ काम करेंगे, थोड़ा सा कुछ दर्शकों के लिए मनोरंजन हो जाए, कुछ आप लोगों का जो एक कॉमेडी होता है, मनोरंजन ही होता रहा शुरू से, कहा होती मनोरंजन ही होते ना, चीजें जो सबसे फेवरेट रही हो वो चीजें। सबसे पहले तो आज जवन हुआ समधी बना है, ये हमारे समधिन बनी ही, और देहुआरी हुआरी वाला बा बहुत गजब वीडियो बा, बड़ी मजा आया, आप सब दोनों कई कमेंट हम देखे जो समधी वाला जो है वीडियो फिर से लाया जाए, समधी समधिन वाला पूरी हमने दोनों फिर से वेलकम बैक कर दे वीडियो के, बहुत अच्छी वीडियो बा, और आप सब देखे हो बा के बहुत तगड़ा वायरल भरा किराएदार के, नहीं मत बताइए किराएदार के जो ना वो डायलॉग है, आप सब वो देख ले थोड़ा से, हाँ। और थोड़ा हमने शूट कर ले, चला किराएदार की बेटी के रूम में आवाज स्लो आ रही है, उसमें तो यही था भाव। हाँ। चले ठीक है, किराएदार की बेटी के रूम में रात के 12 बजे आना, काफी जिगर है तुम्हारे अंदर। हमारा गाल फाटा था पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हमें ना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, ये था वो पॉइंट, बहुत तगड़ा वायरल भरा सरवा, आप सब जाके देख सकते हैं, किराएदार के इस सीन है हुए ये क्लिप है, बहुत तगड़ा वायरल भरा है, हालांकि वो वीडियो तो मिलियन में गया, लेकिन ये जो इतना सीन रहा ना बहुत तगड़ा वायरल भरा, हर एक रील पे हर एक जगह सरवा जो एकदम हल्का मचा रहा, 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन इंस्टाग्राम पे फेसबुक वगैरह वगैरह बहुत वायरल भरा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमेशा ये जोड़ी पसंद करते आ रहे हैं और ये जोड़ी फिर से दिखेगी, इसकी थोड़ी सी इन्होंने झलक दिखाई, उमेश निषाद और ये अंशिका की जोड़ी को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ 3-4 महीने कुछ थी दिक्कत, कुछ दूरियां थी, अब ये लोग फिर साथ दिखेंगे, इसलिए मैंने ये खबर कवर करने में आया था और इसमें ढेर सारी आपको जानकारी मिली थी। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि अब ये जोड़ी आएगी फिर कैसा लगेगा, अब फिर किस तरह था, जो भी हो वो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बड़ा बड़ा खुलासा आगे होने वाला बा, ये नहीं चैनल पर आए आप सब बना रहा, चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, कौन सी का बिल्कुल सही बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।